नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को महंगाई का ज़ोरदार झटका लगा है, जिससे कि लोगों की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल में भवन सामग्री के दाम बढ़े, आशियाना बनाना हुआ और महंगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। भवन सामग्री के दाम बढ़ने से नया आशियाना बनाना महंगा हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश में डीजल पर 3 रुपये वैट बढ़ाने से भी भवन निर्माण की सामग्री के दाम चढ़ गए हैं। इस वजह से बीते दिनों आई बाढ़ में तबाह हुए भवन, होटल, दुकानों को नए सिरे से बनाना महंगा हो गया। वहीं भारी बारिश और ब्यास में बाढ़ से ज़िला कुल्लू में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कों, बिजली व पेयजल स्कीमों को भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों मकानों और दुकानों का नामो निशान मिट गया है। इन मकानों को दोबारा बनाने के लिए लोगों को जेब ढीली करनी होगी। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण सामग्री के दामों में बढ़ोतरी की वजह से होटल, मकान और दुकानें बनाने में खासा बजट व्यय करना होगा। खासकर बजरी, रेत और ईंटों के दाम में भी वृद्धि हो गई है। टिपर और ट्रक मालिक शुभम चौहान कहते हैं कि 5 से 6 माह पूर्व पहले बजरी का टिपर 6,000 रुपये में आता था, अब 6,500 से 7,000 रुपये में मिल रहा है। अलावा रेत में भी 1,000 रुपये टिपर तक इजाफा हुआ है। सड़कें बाधित होने से सप्लाई करने में भी खासी मुश्किलें हो रही हैं। समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। सरिया के कारोबारी मनोज ने कहा कि ट्रकों की आवाजाही वक्त पर नहीं हो रही है और डीजल में बढ़ोतरी की वजह से सरिया और ईंटों के रेट बढ़े हैं। कुल्लू में 6 माह पहले एक ईंट का रेट 9.5 रुपये था, जो अब 10 रुपये हो गया है। तो कुल मिलाकर यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश में भवन सामग्री के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते मकान बनाना अब और महंगा होगा। तो निश्चित रूप से लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।